सलातीन की दूसरी किताब, पहला बाब, एलिया और अखजिया बादशाह। और अखियब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया, और अखजिया उस झिलमिलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाने में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अकरून के देवता बाल जबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ते ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शाहे सामरिया के कासिदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल जबूब से पूछने चले हो? इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ और वो कासिद उसके पास लौट आए। सो उसने उनसे पूछा, तुम लौट क्यों आए? उन्होंने उससे कहा, एक शख्स हमसे मिलने को आया और हमसे कहने लगा कि उस बादशाह के पास जिसने तुमको भेजा है फिर जाओ और उससे कहो, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या इसराइल में कोई खुदा नहीं जो तू अकरून के देवता बाल जबूब से पूछने को भेजता है? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। उसने उनसे कहा कि उस शख्स की कैसी शक्ल थी जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कहीं? उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा कि ये तो एलिया तिशबी है। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, अय मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। पस आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों के दूसरे सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। उसने उससे मुखातिब होकर कहा, आए मर्दे खुदा, बादशाह ने यूं कहा है कि जल्द उतरा। एलिया ने उनको भी जवाब दिया कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। पस खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, आए मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादिम हैं तेरी निगाह में गरां बहा हूं। देख, आसमान से आग नाजिल हुई और 50-50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में गरां बहा हो। तब खुदावंद के फरिश्ते ने एलिया से कहा, उसके साथ नीचे जा, उससे न डर। तब वो उठकर उसके साथ बादशाह के पास नीचे गया और उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने जो अकरून के देवता बाल जबूब से पूछने को लोग भेजे हैं तो क्या इसलिए कि इसराइल में कोई खुदा नहीं है जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। सो वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो एलिया ने कहा था मर गया, और चूंकि उसका कोई बेटा ना था इसलिए शाह यहूदा यहूराम बिन यहूसफत के दूसरे साल से यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और अखजिया के और काम जो उसने किए, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? दूसरा बाब, एलिया का आसमान पर उठाया जाना। और जब खुदावंद एलिया को बगुले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला, और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा,
इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए और अंबिया जादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहू में आए और अंबिया जादे जो यरीहू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यर्दन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले और अंबिया जादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए और वो दोनों यर्दन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा और पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। अलीशा के मोजज़े। फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदामंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मे पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। और वहां से वो बैतेल को चला और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चढ़ाकर कहने लगे, चढ़ा चला जा आए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा आए गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सो बन में से दो रीछनियां निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। वहां से वो कोहे कर्मिल को गया और फिर वहां से सामरिया को लौट आया। तीसरा बाब, इसराइल और मोआब के दरमियान जंग। और शाही यहूदा यहोशफत के 18वें बरस से अखियब का बेटा यहोराम सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा और उसने 12 साल सल्तनत की और उसने खुदावंद के आगे बदी की, पर अपने बाप और अपनी माँ की तरह नहीं, क्योंकि उसने बाल के उस सतून को जो उसके बाप ने बनाया था दूर कर दिया। तो भी वह नबात के बेटे यरोबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया था, लिपटा रहा और उनसे किनारा कशी ना की। और मोआब का बादशाह मीसा बहुत भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के बादशाह को 100,000 बर्रों और 100,000 मेंढों की ऊन देता था। लेकिन जब अखियब मर गया तो शाहे मोआब इसराइल के बादशाह से बागी हो गया। उस वक्त यहोराम बादशाह ने सामरिया से निकलकर सारे इसराइल की मौजूदात ली और उसने जाकर शाहे यहूदा यहोशफत से पुछवा भेजा कि शाहे मोआब मुझसे बागी हो गया है, सो क्या तू मोआब से लड़ने के लिए मेरे साथ चलेगा? उसने जवाब दिया कि मैं चलूंगा, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही तू है,
और जैसे मेरे लोग वैसे ही तेरे लोग, और जैसे मेरे घोड़े वैसे ही तेरे घोड़े हैं। तब उसने पूछा कि हम किस राह से जाएं? उसने जवाब दिया, दश्ते अदूम की राह से। चुनाचे शाहे इसराइल और शाहे यहूदा और शाहे अदूम निकले, और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा, और उनके लश्कर और चौपायों के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी न था। और शाहे इसराइल ने कहा, अफसोस कि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको शाहे मोआब के हवाले कर दे। लेकिन यहूसफत ने कहा, क्या खुदावन के नबियों में से कोई यहां नहीं है ताकि उसके वसीले से हम खुदावन की मर्जी दरियाफ्त करें? और शाहे इसराइल के खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफत यहां है, जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। यहूसफत ने कहा, खुदावन का कलाम उसके साथ है। सो शाहे इसराइल और यहूसफत और शाहे अदूम उसके पास गए। तब अलीशा ने शाहे इसराइल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम, तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर शाहे इसराइल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मोआब के हवाले कर दे। अलीशा ने कहा, रब्बुल अफवाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शाहे यहूदा यहूसफत की हजूरी का पास न होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी न करता और ना तुझे देखता। लेकिन खैर, किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। बस उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी, और तुम भी पियोगे और तुम्हारी मुआयशी और तुम्हारे चौपाए भी। और ये खुदावन के लिए एक हल्की सी बात है, वो मुआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा, और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर मार लोगे, और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे, और पानी के सब चश्मों को भर दोगे, और हर अच्छे खेत को पत्थरों से खराब कर दोगे। सो सुबह को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि अदूम की राह से पानी बहता आया, और वो मुल्क पानी से भर गया। जब सब मुआबियों ने ये सुना कि बादशाहों ने उनसे लड़ने को चढ़ाई की है, तो वो सब जो हथियार बांधने के काबिल थे और ज्यादा उम्र के भी इकट्ठे होकर सरहद पर खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठे और सूरज पानी पर चमक रहा था, और मुआबियों को वो पानी जो उनके मुकाबिल था खून की मानिंद सुर्ख दिखाई दिया। सो वो कहने लगे, ये तो खून है, वो बादशाह यकीनन हलाक हो गए हैं, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया है। सो अब ऐ मुआब, लूट को चल। और जब वो इसराइल की लश्करगाह में आए तो इसराइलियों ने उठकर मुआबियों को ऐसा मारा कि वो उनके आगे से भागे, पर वो आगे बढ़कर मुआबियों को मारते मारते उनके मुल्क में घुस गए, और उन्होंने शहरों को मिसमार किया, और जमीन के हर अच्छे कितने पर सबों ने एक एक पत्थर डालकर उसे भर दिया, और उन्होंने पानी के सब चश्मे बंद कर दिए और सब अच्छे दरख्त काट डाले। फकत कीर हरासत ही के पत्थरों को बाकी छोड़ा, पर गोपियां चलाने वालों ने उसको भी जा घेरा और उसे मारा। जब शाहे मुआब ने देखा कि जंग उसके लिए निहायत सख्त हो गई, तो उसने 700 शमशीर जन मर्द अपने साथ लिए ताकि सफ चीर कर शाहे अदूम तक जा पड़े, पर वो ऐसा ना कर सके। तब उसने अपने पलौठे बेटे को लिया जो उसकी जगह बादशाह होता, और उसे दीवार पर सोखनी कुर्बानी के तौर पर गुजराना। यूं इसराइल पर कहरी शदीद हुआ, सो वो उसके पास से
ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے۔ چوتھا باب، علیشا ایک غریب بیوہ کی مدد کرتا ہے۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ علیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا، تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آریت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا۔ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں۔ علیشا اور شونیم کی ایک مالدار بیوہ۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ علیشا شونیم کو گیا۔ وہاں ایک دولت مند عورت تھی، اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا، روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمع دان لگا دیں۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹھڑی میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں، اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا، اسے بلا لے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا علیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی۔ اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا کہ جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے، تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اس نے کہا، آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا۔
اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا، ہانک، آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی۔ اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا، دیکھ ادھر وہ شونیمی عورت ہے، اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ، کیا تو خیریت سے ہے؟ تیرا شوہر خیریت سے؟ بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے، اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا کہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا جی پریشان ہے، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اور وہ کہنے لگی، کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہ دے؟ تب اس نے جہازی سے کہا، کمر باندھ اور میرا عصا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے، اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا، اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا، اور میرا عصا اس لڑکے کے منہ پر رکھ دینا۔ اس لڑکے کی ماں نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور جہازی نے ان سے پہلے آ کر عصا کو اس لڑکے کے منہ پر رکھا، پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا، اس لیے وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اسے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا۔ جب علیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا، اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور اس کے اوپر پسر گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا، پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ سات بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دی۔ تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا، اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا، اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سر نگوں ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ دو اور معجزے۔ اور علیشا پھر جلجال میں آیا اور ملک میں کال تھا، اور انبیاء زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے خادم سے کہا، بڑی دیگ چڑھا دے اور ان انبیاء زادوں کے لیے لپسی پکا۔ اور ان میں سے ایک کھیت میں گیا کہ کچھ ترکاری چن لائے، سو اسے کوئی جنگلی لتا مل گئی۔ اس نے اس میں سے اندرائن توڑ کر دامن بھر لیا اور لوٹا، اور ان کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے اس میں سے انڈیلا، اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا، آئے مرد خدا، دیگ میں موت ہے، اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے۔ لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ، اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈیلو تاکہ وہ کھائیں، سو دیگ میں کوئی مضر چیز باقی نہ رہی۔ اور بال سلیسا سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جو کے 20 گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لایا۔ اس نے کہا، ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں۔ اس کے خادم نے کہا، کیا میں اتنے ہی کو 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے۔ پس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا۔ پانچواں باب۔ نامان کوہڑی کو شفا ملتی ہے۔
اور شاہِ آرام کے لشکر کا سردار نمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے آرام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو آرام کے بادشاہ نے کہا، تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6,000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے، اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں؟ سو اب ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا علیشہ نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ سو نمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور علیشہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور علیشہ نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ تب نمان نے کہا، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں، تو جب میں رمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ اس نے اس سے کہا، سلامت جا۔ سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا۔
لیکن اس مرد خدا علیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا، سو خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ سو جہازی نمان کے پیچھے چلا۔ جب نمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، سب خیر ہے، میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ، انبیاء زادوں میں سے ابھی دو جوان افرائیم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا ایک قنطار چاندی اور دو جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ نمان نے کہا، خوشی سے دو قنطار لے، اور وہ اس سے بجد ہوا اور اس نے دو قنطار چاندی دو تھیلیوں میں باندھی اور دو جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے دو نوکروں پر لادا اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا، سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ علیشا نے اس سے کہا، جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو صدا لگا رہے گا، سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ چھٹا باب، کلہاڑی کے لوہے کی بازیابی۔ اور انبیاء زادوں نے علیشا سے کہا، دیکھ، یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے، سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں۔ اس نے جواب دیا، جاؤ۔ تب ایک نے کہا، مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل۔ اس نے کہا، میں چلوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا، اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے، لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا، سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میرے مالک، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ مرد خدا نے کہا، وہ کس جگہ گرا؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی۔ تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اپنے لیے اٹھا لے، سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ ارامی لشکر کی شکست۔ اور شاہ آرام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ ڈیرہ ڈالوں گا، سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار، تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں آرامی آنے کو ہیں۔ اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے، اور وہاں سے اپنے کو بچایا، اور یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں۔ اس بات کے سبب سے شاہ آرام کا دل نہایت بے چین ہوا، اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ علیشا جو اسرائیل میں نبی ہے، تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوتگاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ اس نے کہا، جا کر دیکھو وہ کہاں ہے، تاکہ میں اسے پکڑوا منگواؤں۔ اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دو تین میں ہے۔ تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑی لشکر کو روانہ کیا، سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں
और रथों की शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद, इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर हैं। और शाहे इसराइल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं उनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार, क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर लेता है? तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिए और अपने आका के पास जाएं। सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और आराम के जत्थे इसराइल के मुल्क में फिर न आए। सामरिया का मुहासरा। इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह इराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ाया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे यहां तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इसराइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, मदद कर। उसने कहा कि अगर खुदावंद ही तेरी मदद न करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं, क्या खिलेहान से या अंगूर के कोहलू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया। और दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया है। बादशाह ने उस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था और लोगों ने देखा कि अंदरवार उसके तन पर टाट है। और उसने कहा कि अगर आज साफ्त के बेटे अलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे। लेकिन अलीशा अपने घर में बैठा रहा और बुजुर्ग लोग उसके साथ बैठे थे। और बादशाह ने अपने हजूर से एक शख्स को भेजा, पर इससे पहले कि वो कासिद उसके पास आए उसने बुजुर्गों से कहा, तुम देखते हो कि उस कातिल ज़ादा ने मेरा सर उड़ा देने को एक आदमी भेजा है? सो देखो, जब वो कासिद आए तो दरवाजा बंद कर लेना और मजबूती से दरवाजे को उसके मुकाबिल पकड़े रहना। क्या उसके पीछे पीछे उसके आका के पांव की आहट नहीं? और वो उनसे हनूज बातें कर ही रहा था कि देखो, वो कासिद उसके पास आ पहुंचा और उसने कहा कि देखो, ये बला खुदावंद की तरफ से है, अब आगे मैं खुदावंद की राह क्यों तकूं? सातवां बाब। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो,
खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में दो पैमाने जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। अरामी लश्कर फरार होता है और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते हैं चार कोड़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरे? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं, अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि अरामियों की लश्करगाह को जाएं, और जब वो अरामियों की लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे कि देखो शाहे इसराइल ने हित्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आए। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चुनाचे जब ये कोड़ी लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे, बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। सो उन्होंने आकर शहर के दरबान को बुलाया और उनको बताया कि हम अरामियों की लश्करगाह में गए और देखो वहां ना आदमी है ना आदमी की आवाज, सिर्फ घोड़े बंधे हुए और गधे बंधे हुए और खैमे जूं के तूं हैं। और दरबानों ने पुकार कर बादशाह के महल में खबर दी। तब बादशाह रात ही को उठा और अपने खादिमों से कहा कि मैं तुमको बताता हूं अरामियों ने हमसे क्या किया है। वो खूब जानते हैं कि हम भूखे हैं, सो वो मैदान में छुपने के लिए लश्करगाह से निकल गए हैं और सोचा है कि जब हम शहर से निकलें तो वो हमको जीता पकड़ लें और शहर में दाखिल हो जाएं। और उसके खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि जरा कोई उन बचे हुए घोड़ों में से जो शहर में बाकी हैं पांच घोड़े ले, वो तो इसराइल की सारी जमात की मानिंद है जो बाकी रह गई है, बल्कि वो उस सारी इसराइली जमात की मानिंद है जो फना हो गई, और हम उनको भेज कर देखें। सो उन्होंने दो रथ घोड़ों समेत लिए और बादशाह ने उनको अरामियों के लश्कर के पीछे भेजा के जाकर देखें, और वो उनके पीछे यर्दन तक चले गए और देखो सारा रास्ता कपड़ों और बर्तनों से भरा पड़ा था जिनको अरामियों ने जल्दी में फेंक दिया था। सो कासिदों ने लौटकर बादशाह को खबर दी। तब लोगों ने निकलकर अरामियों की लश्करगाह को लूटा। सो एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में दो पैमाने जौ खुदावंद के कलाम के मुताबिक बिका। और बादशाह ने उसी सरदार को जिसके हाथ पर तकिया करता था फाटक पर मुकर्रर किया और वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया, जैसा मर्दे खुदा ने फरमाया था, जिसने ये उस वक्त कहा था जब बादशाह उसके पास आया था। और मर्दे खुदा ने जैसा बादशाह से कहा था कि कल इसी वक्त के करीब एक मिसकाल में दो पैमाने जौ और एक ही मिसकाल में एक पैमाना मैदा
सामरिया के फाटक पर मिलेगा वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने मर्दे खुदा को जवाब दिया था कि देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है। और इसने कहा था कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने न पाएगा। सो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। आठवां बाब। शूनेमी औरत वापस आती है और एलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जलाया था ये कहा था कि उठ और अपने कुनबे समेत जा और जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि खुदावंद ने काल का हुक्म दिया है और वो मुल्क में 7 बरस तक रहेगा भी। तब उस औरत ने उठकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपने कुनबे समेत जाकर फिलिस्तियों के मुल्क में 7 बरस तक रही। और 7वें साल के आखिर में ऐसा हुआ कि ये औरत फिलिस्तियों के मुल्क से लौटी और बादशाह के पास अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। उस वक्त बादशाह मर्दे खुदा के खादम जहाजी से बातें कर रहा और ये कह रहा था कि जरा वो सब बड़े बड़े काम जो एलीशा ने किए मुझे बता। और ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दे को जिलाया, तो वही औरत जिसके बेटे को उसने जिलाया था आकर बादशाह के हजूर अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। तब जहाजी बोल उठा, आए मेरे मालिक, आए बादशाह, यही वो औरत है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। तब बादशाह ने एक खाजा सरा को उसके लिए मुकरर कर दिया और फरमाया कि सब कुछ जो इसका था और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक की खेत की सारी पैदावार इसको फेर दो। एलीशा और शाह इराम बिन हदद। और एलीशा दमिश्क में आया और शाह अराम बिन हदद बीमार था और उसको खबर हुई कि वो मर्दे खुदा इधर आया है। और बादशाह ने हजाइल से कहा कि अपने हाथ में हदिया लेकर मर्दे खुदा के इस्तकबाल को जा और उसकी मार्फत खुदावंद से दरियाफ्त कर कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। बस हजाइल उससे मिलने को चला और उसने दमिश्क की हर नफीस चीज में से 40 ऊंटों पर हदिया लुदवा कर अपने साथ लिया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, तेरे बेटे बिन हदद शाह आराम ने मुझको तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। एलीशा ने उससे कहा, जा उससे कह तू जरूर शिफा पाएगा, तो भी खुदावंद ने मुझको ये बताया है कि वो यकीनन मर जाएगा। और वो उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखता रहा यहां तक कि वो शर्मा गया। फिर मर्दे खुदा रोने लगा और हजाइल ने कहा, मेरा मालिक रोता क्यों है? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मैं उस बदी से जो तू बनी इसराइल से करेगा आगाह हूं। तू उनके कलों में आग लगाएगा और उनके जवानों को तहे तेह करेगा और उनके बच्चों को पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा और उनकी हामला औरतों को चीर डालेगा। हजाइल ने कहा, तेरे खादिम की जो कुत्ते के बराबर है हकीकत ही क्या है जो वो ऐसी बड़ी बात करे? एलीशा ने जवाब दिया, खुदावंद ने मुझे बताया है कि तू आराम का बादशाह होगा। फिर वो एलीशा से रुखसत हुआ और अपने आका के पास आया। उसने पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने जवाब दिया कि उसने मुझे बताया कि तू जरूर शिफा पाएगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने बालापोश को लिया और उसे पानी में भिगोकर उसके मुंह पर तान दिया ऐसा कि वो मर गया और हजाइल उसकी जगह सल्तनत करने लगा। यहूदा का बादशाह यूराम। और शाह इसराइल अखियब के बेटे यूराम के 5वें साल जब यहूसफत यहूदा का बादशाह था, शाह यहूदा यहूसफत का बेटा यहूराम सल्तनत करने लगा।
और जब वो सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था, और उसने यरूशलेम में 8 बरस बादशाही की, और वो भी अखियब के घराने की तरह इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखियब की बेटी उसकी बीवी थी और उसने खुदावन की नजर में बदी की। तो भी खुदावन ने अपने बंदे दाऊद की खातिर ना चाहा कि यहूदा को हलाक करे, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे उसकी नस्ल के वास्ते हमेशा के लिए एक चराग देगा। उसी के दिनों में अदूम यहूदा की इताअत से मुनहरिफ हो गया और उन्होंने अपने लिए एक बादशाह बना लिया। तब यूराम सईर को गया और उसके सब रथ उसके साथ थे, और उसने रात को उठकर अदूमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के सरदारों को मारा, और लोग अपने डेरों को भाग गए। सो अदूम यहूदा की इताअत से आज तक मुनहरिफ है, और उसी वक्त लिबना भी मुनहरिफ हो गया। और यूराम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और यूराम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा अखजिया उसकी जगह बादशाह हुआ। यहूदा का बादशाह अखजिया। और शाही इसराइल अखियब के बेटे यूराम के 12वें बरस से शाही यहूदा यहूराम का बेटा अखजिया सल्तनत करने लगा। अखजिया 22 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने यरूशलेम में 1 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अतलिया था, जो शाही इसराइल उमरी की बेटी थी, और वो भी अखियब के घराने की राह पर चला, और उसने अखियब के घराने की मानिंद खुदावंद की नजर में बदी की, क्योंकि वो अखियब के घराने का दामाद था, और वो अखियब के बेटे यूराम के साथ रामात जिल्लात में शाही आराम हजाइल से लड़ने को गया, और आरामियों ने यूराम को जख्मी किया। सो यूराम बादशाह लौट गया ताकि वो यजरील में उन जख्मों का इलाज कराए जो शाही आराम हजाइल से लड़ते वक्त रामा में आरामियों के हाथ से लगे थे। और शाही यहूदा यहूराम का बेटा अखजिया अखियब के बेटे यूराम को देखने के लिए यजरील में आया, क्योंकि वो बीमार था। नवा बाब। याहू को इसराइल का बादशाह होने के लिए मसह किया जाता है। और अलीशा नबी ने अंबिया जादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जिलाद को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यहूसफत बिन निमसी को पूछ, और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठड़ी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसह करके इसराइल का बादशाह बनाया है, फिर तू दरवाजा खोलकर भागना और ठहरना मत। सो वो जवान, यानी वो जवान जो नबी था, रामात जलाद को गया, और जब वो पहुंचा तो लश्कर के सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा, आए सरदार, मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है। याहू ने कहा, हम सबों में से किसके लिए? उसने कहा, आए सरदार, तेरे लिए। सो वो उठकर उस घर में गया, तब उसने उसके सर पर वो तेल डाला और उससे कहा, खुदावन इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसह करके खुदावन की कौम यानी इसराइल का बादशाह बनाया है, सो तू अपने आका अखियब के घराने को मार डालना, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावन के सब बंदों के खून का इंतकाम एजबल के हाथ से लूं, क्योंकि अखियब का सारा घराना नाबूद होगा, और मैं अखियब की नस्ल के हर एक लड़के को और उसको जो इसराइल में बंद है और उसको जो आजाद छूटा हुआ है काट डालूंगा, और मैं अखियब के घर को नबात के बेटे यूरबाम के घर और अखिया के बेटे बाशा के घर की मानिंद कर दूंगा, और एजबल को यजराइल के इलाके में कुत्ते खाएंगे, वहां कोई ना होगा जो उसे दफन करे। फिर वो दरवाजा खोलकर भागा। तब याहू
اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا اور ایک نے اس سے پوچھا، سب خیر تو ہے؟ یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا؟ اس نے ان سے کہا، تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو. انہوں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، اب ہم کو حال بتا. اس نے کہا، اس نے مجھ سے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے. تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یہو بادشاہ ہے. اسرائیل کے بادشاہ یورام کا قتل. سو یہو بن یہوسفت بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ آرام ہزائیل کے سبب سے رامات جلات کی حمایت کر رہا تھا، لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ یزریل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ آرام ہزائیل سے لڑتے وقت آرامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے. تب یاہو نے کہا، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یزریل جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگنے اور نکلنے نہ پائے. اور یاہو رتھ پر سوار ہو کر یزریل کو گیا، کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا اور شاہ یہودا اخزیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا اور یزریل بھی نگبان برج پر کھڑا تھا. اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے. یورام نے کہا، ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو بھیج، وہ یہ پوچھے خیر ہے. چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا، بادشاہ پوچھتا ہے خیر ہے؟ یاہو نے کہا، تجھ کو خیر سے کیا کام، میرے پیچھے ہو لے. پھر نگبان نے کہا کہ قاصد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا. تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا جس نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا، بادشاہ یوں کہتا ہے خیر ہے؟ یاہو نے جواب دیا، تجھے خیر سے کیا کام، میرے پیچھے ہو لے. پھر نگبان نے کہا، وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا اور رتھ کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسی کے بیٹے یاہو کا ہانکنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی تندی سے ہانکتا ہے. تب یورام نے فرمایا، جوت لے. سو انہوں نے اس کے رتھ کو جوت لیا. تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودا اخزیہ اپنے اپنے رتھ پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے اور یزریلی نبوت کی ملکیت میں اس سے دو چار ہوئے. اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا، اے یاہو خیر ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تک تیری ماں ایزبل کی زنا کاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر. تب یورام نے باغ موڑی اور بھاگا اور اخزیہ سے کہا، اے اخزیہ فتنہ بپا ہے. تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا. تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بدکر سے کہا، اسے لے کر یزریلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے، کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخیب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداوند نے یہ فتویٰ اس پر دیا تھا کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے. خداوند فرماتا ہے، اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلہ دوں گا، خداوند فرماتا ہے. سو جیسا خداوند نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے. ایزبل کا قتل. اور جب یاہو یزریل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سنوار کھڑکی سے جھانکنے لگی. اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی، اے زمری اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے؟ پر اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میری طرف کون ہے، کون؟ تب دو تین خواجہ سراؤں نے
इसकी तरफ देखा, इसने कहा उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छींटे दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी और इसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो इसने खाया पिया, फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको न मिला। सो वो लौट आए और इसे ये बताया। इसने कहा, ये खुदावंद का वही सुखन है जो उसने अपने बंदे एलिया तिशबी की मार्फत फरमाया था कि यजरील के इलाके में कुत्ते एजबल का गोश्त खाएंगे और एजबल की लाश यजरील के इलाके में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहां तक कि कोई न कहेगा कि ये एजबल है। दसवां बाब, अखियब की औलाद का कत्लेआम। और सामरिया में अखियब के 70 बेटे थे। सो याहू ने सामरिया में यजराइल के अमीरों यानी बुजुर्गों के पास और उनके पास जो अखियब के बेटों के पालने वाले थे खत लिख भेजे कि जिस हाल तुम्हारे आका के बेटे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े और फसीलदार शहर भी और हथियार भी हैं, सो इस खत के पहुंचते ही तुम अपने आका के बेटों में सबसे अच्छे और लायक को चुनकर उसे उसके बाप के तख्त पर बिठाओ और अपने आका के घराने के लिए जंग करो। लेकिन वो निहायत हिरासा हुए और कहने लगे, देखो दो बादशाह तो उसका मुकाबला ना कर सके, बस हम क्यों कर सकेंगे। सो महल के दीवान ने और शहर के हाकिम ने और बुजुर्गों ने भी और लड़कों के पालने वालों ने याहू को कहला भेजा, हम सब तेरे खादिम हैं और जो कुछ तू फरमाएगा वो सब हम करेंगे, हम किसी को बादशाह नहीं बनाएंगे, जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो सो कर। तब उसने दूसरी बार एक खत उनको लिख भेजा कि अगर तुम मेरी तरफ हो और मेरी बात मानना चाहते हो तो अपने आका के बेटों के सर उतार कर कल यजराइल में इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। उस वक्त शहजादे जो 70 आदमी थे शहर के उन बड़े आदमियों के साथ थे जो उनके पालने वाले थे। सो जब ये नामा उनके पास आया तो उन्होंने शहजादों को लेकर उनको यानी उन 70 आदमियों को कत्ल किया और उनके सर टोकरों में रखकर उनको उसके पास यजराइल में भेज दिया। तब एक कासिद ने आकर उसे खबर दी कि वो शहजादों के सर लाए हैं। उसने कहा कि तुम शहर के फाटक के मदखल पर उनकी दो ढेरियां लगाकर कल सुबह तक रहने दो। और सुबह को ऐसा हुआ कि वो निकलकर खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, तुम तो रास्त हो, देखो मैंने तो अपने आका के बरखिलाफ बंदिश बांधी और उसे मारा, पर इन सबों को किसने मारा। सो अब जान लो कि खुदावंद के उस सुखन में से जिसे खुदावंद ने अखियब के घराने के हक में फरमाया कोई बात खाक में नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदावंद ने जो कुछ अपने बंदे एलिया की मार्फत फरमाया था उसे पूरा किया। सो याहू ने उन सब को जो अखियब के घराने से यजराइल में बच रहे थे और उसके सब बड़े बड़े आदमियों और मुकर्रब दोस्तों और काहिनों को कत्ल किया, यहां तक कि उसने उसके किसी आदमी को बाकी ना छोड़ा। अखजिया बादशाह के कराबतियों का कत्ल। फिर वो उठकर रवाना हुआ और सामरिया को चला और रास्ते में गडरियों के बाल कुतरने के घर तक पहुंचा ही था कि याहू को शाहे यहूदा अखजिया के भाई मिल गए। इसने पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, हम अखजिया के भाई हैं और हम जाते हैं कि बादशाह के बेटों और मलका के बेटों को सलाम करें। तब उसने कहा कि उनको जीता पकड़ लो। सो उन्होंने उनको जीता पकड़ लिया और उनको जो 42 आदमी थे बाल कुतरने के घर के हौस पर कत्ल किया, उसने उनमें से एक को भी ना छोड़ा। अखियब के बाकी मांदा सारे कराबतियों का कत्ल। फिर जब वो वहां से रुखसत हुआ
तो यहू नादाब बिन रकाब जो उसके इस्तकबाल को आ रहा था उसे मिला। तब उसने उसे सलाम किया और उससे कहा, क्या तेरा दिल ठीक है जैसा मेरा दिल तेरे दिल के साथ है? यहू नादाब ने जवाब दिया कि है। सो उसने कहा, अगर ऐसा है तो अपना हाथ मुझे दे। सो उसने उसे अपना हाथ दिया और उसने उसे रथ में अपने साथ बिठा लिया और कहा, मेरे साथ चल और मेरी गैरत को जो खुदावंद के लिए है देख। सो उन्होंने उसे उसके साथ रथ पर सवार कराया और जब वो सामरिया में पहुंचा तो अखियब के सब बाकी लोगों को जो सामरिया में थे कत्ल किया, यहां तक कि उसने जैसा खुदावंद ने एलिया से कहा था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। बाल के पुजारियों का कत्ल। फिर याहू ने सब लोगों को फराहम किया और उनसे कहा कि अखियब ने बाल की थोड़ी परस्तिश की, याहू उसकी बहुत ही परस्तिश करेगा। सो अब तुम बाल के सब नबियों और उसके सब पूजने वालों और सब पुजारियों को मेरे पास बुला लाओ, उनमें से कोई गैर हाजिर न रहे, क्योंकि मुझे बाल के लिए बड़ी कुर्बानी करना है। सो जो कोई गैर हाजिर रहे वो जीता न बचेगा। पर याहू ने इस गर से कि बाल के पूजने वालों को नेस्त कर दे ये हीला निकाला था, और याहू ने कहा कि बाल के लिए एक खास ईद की तकदीस करो। सो उन्होंने उसकी मुनादी कर दी और याहू ने सारे इसराइल में लोग भेजे और बाल के सब पूजने वाले आए, यहां तक कि एक शख्स भी ऐसा न था जो ना आया हो, और वो बाल के मंदिर में दाखिल हुए और बाल का मंदिर इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। फिर उसने उसको जो तोशाखाने पर मुकर्रर था हुक्म किया कि बाल के सब पूजने वालों के लिए लिबास निकाल ला। सो वो उनके लिए लिबास निकाल लाया। तब याहू और यहू नदाब बिन रिकाब बाल के मंदिर के अंदर गए और उसने बाल के पूजने वालों से कहा कि तफ्तीश करो और देख लो कि यहां तुम्हारे साथ खुदावंद के खादिमों में से कोई ना हो, फकत बाल ही के पूजने वाले हों। और वो जबीहे और सोखनी कुर्बानियां गुजरानने को अंदर गए और याहू ने बाहर 80 जवान मुकर्रर कर दिए और कहा कि अगर कोई इन लोगों में से जिनको मैं तुम्हारे हाथ में कर दूं निकल भागे तो छोड़ने वाले की जान उसकी जान के बदले जाएगी। और जब वो सोखनी कुर्बानी चढ़ा चुका तो याहू ने पहरे वालों और सरदारों से कहा कि घुस जाओ और उनको कत्ल करो, एक भी निकलने न पाए। चुनाचे उन्होंने उनको तह देख किया और पहरे वालों और सरदारों ने उनको बाहर फेंक दिया और बाल के मंदिर के शहर को गए, और उन्होंने बाल के मंदिर के सतूनों को बाहर निकालकर उनको आग में जलाया और बाल के सतून को चकनाचूर किया और बाल का मंदिर ढाकर उसे संडास बना दिया, जैसा आज तक है। यूं याहू ने बाल को इसराइल के दरमियान से नेस्तो नाबूद कर दिया। तो भी नबात के बेटे यूरबाम के गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया याहू बाज न आया, यानी उसने सोने के बछड़ों को मानने से जो बैतेल और दान में थे किनारा कशी ना की। और खुदावंद ने याहू से कहा, चूंकि तूने ये नेकी की है कि जो कुछ मेरी नजर में भला था उसे अंजाम दिया है और अखियब के घराने से मेरी मर्जी के मुताबिक बर्ताव किया है, इसलिए तेरे बेटे चौथी पुश्त तक इसराइल के तख्त पर बैठेंगे। पर याहू ने खुदावंद इसराइल के खुदा की शरीयत पर अपने सारे दिल से चलने की फिक्र न की। वो यूरबाम के गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया अलग न हुआ। याहू की वफात। उन दिनों खुदावंद इसराइल को घटाने लगा और हिजाइल ने उनको इसराइल की सब सरहदों में मारा, यानी यर्दन से लेकर मशरक की तरफ जिलाद के सारे मुल्क में, और जद्दियों और रूबीनियों और मनसियों को
اور او ایر سے جو وادی ارنون میں ہے یعنی جلاد اور بسن کو بھی، اور یہو کے باقی کام اور سب جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یہو آخذ اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور وہ عرصہ جس میں یہو نے سامریہ میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی 28 برس کا تھا۔ 11 باب، یہودا کی ملکہ اتلیہ۔ جب اخزیہ کی ماں اتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا، تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا، پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہوسبا نے، جو اخزیہ کی بہن تھی، اخزیہ کے بیٹے یواس کو لیا اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا، اور اسے اس کی دایا سمیت بستروں کی کوٹھڑی میں کر دیا، اور انہوں نے اسے اتلیہ سے چھپائے رکھا، وہ مارا نہ گیا، اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا، اور اتلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی۔ اور 7ویں برس میں یہویدا نے کاریوں اور پہرے والوں کے 100-100 کے سرداروں کو بلا بھیجا، اور ان کو خداوند کے گھر میں اپنے پاس لا کر ان سے عہد و پیمان کیا، اور خداوند کے گھر میں ان کو قسم کھلائی، اور بادشاہ کے بیٹے کو ان کو دکھایا، اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم یہ کام کرنا کہ تم جو سبت کو یہاں آتے ہو، سو تم میں سے 1/3 آدمی بادشاہ کے قصر کے پہرے پر رہیں، اور 1/3 سور نام پھاٹک پر رہیں، اور 1/3 اس پھاٹک پر ہوں جو پہرے والوں کے پیچھے ہے، یوں تم محل کی نگہبانی کرنا اور لوگوں کو روکے رہنا، اور تمہارے 2 جتھے یعنی سب جو سبت کے دن باہر نکلتے ہیں، وہ بادشاہ کے آس پاس ہو کر خداوند کے گھر کی نگہبانی کریں، اور تم اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہنا، اور جو کوئی صفوں کے اندر چلا آئے وہ قتل کر دیا جائے، اور تم بادشاہ کے باہر جاتے اور اندر آتے وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ چنانچہ 100-100 کے سرداروں نے جیسا یہویدا کاہن نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی سب کچھ کیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آدمیوں کو جن کی سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی، ماں ان لوگوں کے جن کی سبت کے دن باہر نکلنے کی باری تھی، لیا اور یہویدا کاہن کے پاس آئے، اور کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور سپرے جو خداوند کے گھر میں تھی 100-100 کے سرداروں کو دی، اور پہرے والے اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیکل کے دہنے پہلو سے لے کر بائیں پہلو تک مذبے اور ہیکل کے برابر برابر بادشاہ کے گرد گرد کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے شہزادے کو باہر لا کر اس پر تاج رکھا۔ اور شہادت نام یہویدا کی اصلاحات۔ اور یہویدا نے خداوند کے اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک عہد باندھا، تاکہ وہ خداوند کے لوگ ہوں اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان بھی عہد باندھا، اور مملکت کے سب لوگ بال کے مندر میں گئے اور اسے ڈھایا، اور انہوں نے اس کے مذبحوں اور مورتوں کو بالکل چکنا چور کیا، اور بال کے پجاری متان کو مذبحوں کے سامنے قتل کیا، اور کاہن نے خداوند کے گھر کے لیے سرداروں کو مقرر کیا، اور اس نے 100-100 کے سرداروں اور کاریوں اور پہرے والوں اور اہل مملکت کو لیا، اور وہ بادشاہ کو خداوند کے گھر سے اتار لائے، اور پہرے والوں کے پھاٹک کی راہ سے بادشاہ کے قصر میں آئے، اور اس نے بادشاہوں کے تخت پر جلوس فرمایا، اور مملکت کے سب لوگ خوش ہوئے اور شہر میں امن ہو گیا، اور انہوں نے اتلیہ کو بادشاہ کے قصر کے پاس تلوار سے قتل کیا۔ 12واں باب، یہودا کا بادشاہ یہوآس۔ اور جب یہوآس سلطنت کرنے لگا
तो 7 बरस का था, और याहू के 7वें बरस यहूआस बादशाह हुआ, और उसने यरूशलेम में 40 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम जिबिया था, जो बीर सबा की थी। और यहूआस ने इस तमाम अरसे में, जब तक यहूयदा काहिन उसकी तालीम और तरबियत करता रहा, वही काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए न गए, और लोग हनूज ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और यहूआस ने काहिनों से कहा कि मुकद्दस की हुई चीजों की सब नकदी जो राइज सिक्के में खुदावंद के घर में पहुंचाई जाती है, यानी उन लोगों की नकदी जिनके लिए हर शख्स की हैसियत के मुताबिक अंदाजा लगाया जाता है, और वो सब नकदी जो हर एक अपनी खुशी से खुदावंद के घर में लाता है, इस सब को काहिन अपने अपने जान पहचान से लेकर अपने पास रख लें। और हैकल की दराड़ों की जहां कहीं कोई दराड़ मिले, मरम्मत करें। लेकिन यहूआस के 23वें साल तक काहिनों ने हैकल की दराड़ों की मरम्मत ना की। तब यहूआस बादशाह ने यहूयदा काहिन को और काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम हैकल की दराड़ों की मरम्मत क्यों नहीं करते? सो अब अपने अपने जान पहचान से नकदी ना लेना, बल्कि इसको हैकल की दराड़ों के लिए हवाले करो। सो काहिनों ने मंजूर कर लिया कि ना तो लोगों से नकदी लें और ना हैकल की दराड़ों की मरम्मत करें। तब यहूयदा काहिन ने एक संदूक लेकर उसके सरपोश में एक सुराख किया और उसे मजबे के पास रखा, ऐसा कि खुदावन की हैकल में दाखिल होते वक्त वो दाहिनी तरफ पड़ता था। और जो काहिन दरवाजे के निगेबान थे, वो सब नकदी जो खुदावन के घर में लाई जाती थी उसी में डाल देते थे। और जब वो देखते थे कि संदूक में बहुत नकदी हो गई है, तो बादशाह का मुंशी और सरदार काहिन ऊपर आकर उसे थैलियों में बांधते थे और उस नकदी को जो खुदावंद के घर में मिलती थी गिन लेते थे। और वो उस नकदी को जो तोल ली जाती थी उनके हाथों में सौंप देते थे, जो काम करने वाले यानी खुदावंद की हैकल के नाजिर थे। और वो उसे बढ़ईयों और मुमारों पर जो खुदावंद के घर का काम बनाते थे, और राजों और संग तराशों पर, और खुदावंद की हैकल की दराड़ों की मरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थर खरीदने में, और उन सब चीजों पर जो हैकल की मरम्मत के लिए इस्तेमाल में आती थी, खर्च करते थे। लेकिन जो नकदी खुदावंद की हैकल में लाई जाती थी, उससे खुदावंद की हैकल के लिए चांदी के प्याले या गुलगीर या देगचे या नरसिंगे यानी सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन ना बनाए गए, क्योंकि ये नकदी कारीगरों को दी जाती थी और इसी से उन्होंने खुदावन की हैकल की मरम्मत की। मां सिवा इसके जिन लोगों के हाथ वो इस नकदी को सुपुर्द करते थे ताकि वो उसे कारीगरों को दें, उनसे वो उसका कुछ हिसाब नहीं लेते थे, इसलिए कि वो दयानत से काम करते थे। और जुर्म की कुर्बानी की नकदी और खता की कुर्बानी की नकदी खुदावन की हैकल में नहीं लाई जाती थी, वो काहिनों की थी। तब शाह आराम हजाइल ने चढ़ाई की और जात से लड़कर उसे ले लिया। फिर हजाइल ने यरूशलेम का रुख किया ताकि उस पर चढ़ाई करे। तब शाह यहूदा यहूआस ने सब मुकद्दस चीजें जिनको उसके बाप दादा यहूसफत और यहूराम और अखजिया यहूदा के बादशाहों ने नजर किया था, और अपनी सब मुकद्दस चीजों को और सब सोना जो खुदावन की हैकल के खजानों और बादशाह के कसर में मिला, लेकर शाह आराम हजाइल को भेज दिया। तब वो यरूशलेम से टला। और युआस के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और उसके खादिमों ने उठकर साजिश की और युआस को मिलो के महल में
جو سیلا کی اترائی پر ہے قتل کیا، یعنی اس کے خادموں یوسکار بن سمات اور یہو زبد بن شومیر نے اسے مارا اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امسیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ تیرہواں باب، اسرائیل کا بادشاہ یہو آخذ۔ اور شاہ یہودا اخزیہ کے بیٹے یواس کے 23 برس سے یہو کا بیٹا یہو آخذ سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 17 سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی پیروی کی، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اس نے ان سے کنارہ نہ کیا، اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو بار بار شاہ آرام ہزائیل اور ہزائیل کے بیٹے بن حدد کے قابو میں کر دیا، اور یہو آخذ خداوند کے حضور گڑ گڑایا، اور خداوند نے اس کی سنی، کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ آرام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے، اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا عنایت کیا۔ سو وہ آرامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے ڈیروں میں رہنے لگے۔ تو بھی انہوں نے یربعام کے گھرانے کے گناہوں سے، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، کنارہ کشی نہ کی، بلکہ انہی پر چلتے رہے، اور یسیرت بھی سامریا میں رہی، اور اس نے یہو آخذ کے لیے لوگوں میں سے صرف 50 اور 10 اور 10,000 پیادے چھوڑے، اس لیے کہ آرام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر خاک کی مانند کر دیا۔ اور یہو آخذ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہو آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے سامریا میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یواس اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ یواس۔ اور شاہ یہودا یواس کے 37 برس یہو آخذ کا بیٹا یہو آس سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا، بلکہ انہی پر چلتا رہا۔ اور یواس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت جس سے وہ شاہی یہودا امسیا سے لڑا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یواس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور یربام اس کے تخت پر بیٹھا، اور یواس سامریا میں اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ دفن ہوا۔ علیشا کی وفات۔ اور علیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہ اسرائیل یواس اس کے پاس گیا، اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ اور علیشا نے اس سے کہا، تیرو کمان لے لے۔ سو اس نے اپنے لیے تیرو کمان لے لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، کمان پر اپنا ہاتھ رکھ۔ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، اور علیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، اور کہا، مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول۔ سو اس نے اسے کھولا، تب علیشا نے کہا کہ تیر چلا۔ سو اس نے چلایا، تب وہ کہنے لگا، یہ فتح کا تیر خداوند کا، یعنی آرام پر فتح پانے کا تیر ہے، کیونکہ تو افیق میں آرامیوں کو مارے گا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ پھر اس نے کہا، تیروں کو لے۔ سو اس نے ان کو لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، زمین پر مار۔ سو اس نے 3 مارا اور ٹھہر گیا۔ تب مرد خدا اس پر غصے ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 مارنا چاہیے تھا، تب تو آرامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا، پر اب تو آرامیوں کو فقط
تین بار مارے گا۔ اور علیشہ نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا، اور نئے سال کے شروع میں موآب کے جتھے ملک میں گھس آئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا، سو انہوں نے اس شخص کو علیشہ کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص علیشہ کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اسرائیل اور آرام کے درمیان جنگ۔ اور شاہ آرام ہزائیل یہو آخذ کے عہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا، اور خداوند ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا، اور اس عہد کے سبب سے جو اس نے ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا ان کی طرف التفات کی اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا۔ اور شاہ آرام ہزائیل مر گیا اور اس کا بیٹا بن حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور یہو آخذ کے بیٹے یہو آس نے ہزائیل کے بیٹے بن حدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہو آخذ کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے۔ تین بار یوآس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا۔ چودھواں باب، یہودا کا بادشاہ امسیہ۔ اور شاہ اسرائیل یہو آخذ کے بیٹے یوآس کے دوسرے سال سے شاہ یہودا یوآس کا بیٹا امسیہ سلطنت کرنے لگا۔ وہ 25 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلیم میں 29 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یہو ادان تھا جو یروشلیم کی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اپنے باپ داؤد کی مانند نہیں، بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یوآس کی طرح کیا، کیونکہ اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے، اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا، پر اس نے ان خونیوں کے بچوں کو جان سے نہ مارا، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جیسا خداوند نے فرمایا لکھا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے۔ اور اس نے وادی شور میں 10,000 ادومی مارے اور سلا کو جنگ کر کے لے لیا، اور اس کا نام یکتیل رکھا جو آج تک ہے۔ تب امسیہ نے شاہ اسرائیل یہو آس بن یہو آخذ بن یہو کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اور شاہ اسرائیل یہو آس نے شاہ یہودا امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے سے بیاہ دے۔ اتنے میں ایک جنگلی جانور جو لبنان میں تھا گزرا اور اونٹ کٹارے کو روند ڈالا، تو نے بے شک ادوم کو مارا اور تیرے دل میں غرور سما گیا ہے، سو اسی کی ڈینگ مار اور گھر ہی میں رہ۔ تو کیوں نقصان اٹھانے کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے جس سے تو بھی زک اٹھائے اور تیرے ساتھ یہودا بھی؟ پر امسیہ نے نہ مانا۔ تب شاہ اسرائیل یہو آس نے چڑھائی کی، اور وہ اور شاہ یہودا امسیہ بیت شمس میں جو یہودا میں ہے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور یہودا نے اسرائیل کے آگے شکست کھائی اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا، لیکن شاہ اسرائیل یہو آس نے شاہ یہودا امسیہ بن یہو آس بن اخزیہ کو بیت شمس میں پکڑ لیا اور یروشلیم میں آیا، اور یروشلیم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے والے پھاٹک تک 400 ہاتھ کے برابر ڈھا دی، اور اس نے سب سونے اور چاندی کو اور سب برتنوں کو جو خداوند کی ہیکل اور شاہی محل کے خزانوں میں ملے اور کفیلوں کو بھی ساتھ لیا اور سامریا کو لوٹا۔ اور یہو آس کے باقی کام جو اس نے کیے
और उसकी कुवत, और जैसे शाह यहूदा अमिसिया से लड़ा, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तबारीख की किताब में कलम बंद नहीं? और यहूआस अपने बाप दादा के साथ सो गया और इसराइल के बादशाहों के साथ सामरिया में दफन हुआ, और उसका बेटा यरोबाम उसकी जगह बादशाह हुआ। यहूदा के बादशाह अमस्या की वफात। और शाहे यहूदा युआस का बेटा अमस्या शाहे इसराइल यहू आखिस के बेटे यहूआस के मरने के बाद 15 बरस जीता रहा। और अमस्या के बाकी काम, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और उन्होंने यरूशलेम में उसके खिलाफ साजिश की, सो वो लकीस को भागा, लेकिन उन्होंने लकीस तक उसका पीछा करके वहीं उसे कत्ल किया, और वो उसे घोड़ों पर ले आए, और वो यरूशलेम में अपने बाप दादा के साथ दाऊद के शहर में दफन हुआ। और यहूदा के सब लोगों ने अजरिया को, जो 16 बरस का था, उसके बाप अमस्या की जगह बादशाह बनाया, और बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद उसने इलात को बनाया और उसे फिर यहूदा की ममलकत में दाखिल कर लिया। इसराइल का बादशाह यरोबाम दोम। और शाह यहूदा युआस के बेटे अमिसिया के 15वें बरस से शाह इसराइल युआस का बेटा यरोबाम सामरिया में बादशाही करने लगा। उसने 41 बरस बादशाही की और उसने खुदावंद की नजर में बदी की। वो नबात के बेटे यरोबाम के उन सब गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया बाज न आया, और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदे और नबी यूना बिन इम्मती की मारफत जो जात हिफर का था फरमाया था, इसराइल की हद को हमात के मदखिल से मैदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया। इसलिए कि खुदावंद ने इसराइल के दुख को देखा कि वो बहुत सख्त है, क्योंकि ना तो कोई बंद किया हुआ ना आजाद छूटा हुआ रहा, और ना कोई इसराइल का मददगार था। और खुदावंद ने ये तो नहीं फरमाया था कि मैं रूए जमीन पर से इसराइल का नाम मिटा दूंगा? सो उसने उनको युआस के बेटे यरोबाम के वसीले से रिहाई दी। और यरोबाम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया और उसकी कुवत, यानी क्यों कर उसने लड़कर दमिश्क और हमात को जो यहूदा के थे इसराइल के लिए वापस ले लिया, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? और यरोबाम अपने बाप दादा यानी इसराइल के बादशाहों के साथ सो गया और उसका बेटा जकरिया उसकी जगह बादशाह हुआ। 15वां बाब। यहूदा का बादशाह उज्जिया। शाहे इसराइल यरोबाम के 27वें बरस से शाहे यहूदा अमस्या का बेटा अजरिया सल्तनत करने लगा। जब वो सल्तनत करने लगा तो 16 बरस का था, और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकोलिया था, जो यरूशलेम की थी, और उसने जैसा उसके बाप अमस्या ने किया था ठीक उसी तरह वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला था। तो भी ऊंचे मकाम ढाई ना गए, और लोग अब तक ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और बादशाह पर खुदावन की ऐसी मार पड़ी कि वो अपने मरने के दिन तक कोड़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। और बादशाह का बेटा यूताम महल का मालिक था और मुल्क के लोगों की अदालत किया करता था। और अजरिया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और अजरिया अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया, और उसका बेटा यूताम उसकी जगह बादशाह हुआ।
اسرائیل کا بادشاہ زکریا اور شاہ یہودا عزریا کے 38 سال یربام کے بیٹے زکریا نے اسرائیل پر سامریا میں 6 بادشاہی کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور یبیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور زکریا کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں اور خداوند کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ 4 پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے سو ویسا ہی ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ سلوم۔ اور شاہ یہودا عزیا کے 39 برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہی کرنے لگا اور اس نے سامریا میں 1 سلطنت کی اور جادی کا بیٹا مناہم تیرزا سے چلا اور سامریا میں آیا اور یبیس کے بیٹے سلوم کو سامریا میں مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی سو دیکھو وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہے۔ پھر مناہم نے تیرسا سے جا کر تفسا کو اور ان سبوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لیے پھاٹک نہیں کھولے تھے اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا۔ اسرائیل کا بادشاہ مناہم۔ اور شاہ یہودا عزریا کے 39 برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سامریا میں 10 سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر باز نہ آیا اور شاہ اسور پول اس کے ملک پر چڑھ آیا۔ سو مناہم نے 1000 کنتار چاندی پول کو نظر کی تاکہ وہ اس کی دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے اور مناہم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے 50 مسکال فی کس کے حساب سے جبرن لی۔ سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹھہرا اور مناہم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور مناہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا فکاہیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ فکاہیا۔ اور شاہ یہودا عزریا کے 50 سال مناہم کا بیٹا فکایا سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے 2 سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ وہ نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور فکا بن رملیا نے جو اس کا ایک سردار تھا اس کے خلاف سازش کی اور اس کو سامریا میں بادشاہ کے محل کے محکم حصے میں ارجوب اور ایریا کے ساتھ مارا اور جلادیوں میں سے 50 اس کے ہمراہ تھے سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور فکیا کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہے۔ اسرائیل کا بادشاہ فکا۔ اور شاہ یہودا عزریا کے 52 برس سے فکا بن رملیا سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے 20 سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور شاہ اسرائیل فکا کے ایام میں شاہ اسور تگلت پلاسر نے آ کر ایون
और अबील बैतमाका और यनुहा और कादिस और हसूर और जिलाद और गलील और नफ्ताली के सारे मुल्क को ले लिया और लोगों को असीर करके असूर में ले गया। और होसिया बिन एला ने फिका बिन रमलिया के खिलाफ साजिश की और उसे मारा और कत्ल किया, और उसकी जगह उजिया के बेटे यूताम के 20वें बरस बादशाह हो गया। और फिका के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद हैं। यहूदा का बादशाह यूताम। और शाही इसराइल रमलिया के बेटे फिका के दूसरे साल से शाही यहूदा उजिया का बेटा यूताम सल्तनत करने लगा, और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था। उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और उसकी माँ का नाम यरूसा था जो सदूक की बेटी थी, और उसने वो काम किया जो खुदावन की नजर में भला है। उसने सब कुछ ठीक वैसे ही किया जैसे उसके बाप उजिया ने किया था, तो भी ऊंचे मकाम ढाए न गए। लोग हनूज ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। खुदावन के घर का बालाई दरवाजा इसी ने बनाया, और यूताम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? उन्हीं दिनों में खुदावंद शाहे अराम रजीन को और फिका बिन रमलिया को यहूदा पर चढ़ाई करने के लिए भेजने लगा, और यूताम अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा आखिज उसकी जगह बादशाह हुआ। सोलहवां बाब। यहूदा का बादशाह आखिज। और रमलिया के बेटे फिका के 17वें बरस से शाह यहूदा यूताम का बेटा आखिज सल्तनत करने लगा, और जब वो सल्तनत करने लगा तो 20 बरस का था, और उसने 16 बरस यरूशलेम में बादशाही की, और उसने वो काम न किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में भला है, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि वो इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, और उसने उन कौमों के नफरती दस्तूर के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से खारिज कर दिया था अपने बेटे को भी आग में चलवाया, और ऊंचे मकामों और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे उसने कुर्बानी की और बखूर जलाया। तब शाह इराम रजीन और शाह इसराइल रमलिया के बेटे फिकाह ने लड़ने को यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उन्होंने आखिस को घेर लिया लेकिन उस पर गालिब न आ सके। उस वक्त शाह अराम रजीन ने एलात को फतह करके फिर अराम में शामिल कर लिया, और यहूदियों को एलात से निकाल दिया, और अरामी एलात में आकर वहां बस गए जैसा आज तक है। सो आखिज ने शाह असूर तिगलत पलासर के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि मैं तेरा खादिम और बेटा हूं, सो तू आ और मुझको शाह अराम के हाथ से और शाह इसराइल के हाथ से जो मुझ पर चढ़ आए हैं रिहाई दे। और आखिस ने उस चांदी और सोने को जो खुदावन के घर में और शाही महल के खजानों में मिला लेकर शाह असूर के लिए नजराना भेजा, और शाह असूर ने उसकी बात मानी। चुनांचे शाह असूर ने दमिश्क पर लश्कर कशी की और उसे ले लिया, और वहां के लोगों को असीर करके कीर में ले गया, और रजीन को कत्ल किया, और आखिस बादशाह शाह असूर तिगलत पलासर की मुलाकात के लिए दमिश्क को गया और उस मसबे को देखा जो दमिश्क में था, और आखिस बादशाह ने उस मसबे का नक्शा और उसकी सारी सनत का नमूना उरिया काहिन के पास भेजा, और उरिया काहिन ने ठीक उसी नमूने के मुताबिक जिसे आखिज ने दमिश्क से भेजा था एक मसबा बनाया, और आखिज बादशाह के दमिश्क से लौटने तक उरिया काहिन ने उसे तैयार कर दिया। जब बादशाह दमिश्क से लौट आया
तो बादशाह ने मज़बे को देखा और बादशाह मज़बे के पास गया और उस पर कुर्बानी गुजरानी, और उसने उस मज़बे पर अपनी सोख्तनी कुर्बानी और अपनी नज़र की कुर्बानी जलाई और अपना तपावन तपाया और अपनी सलामती के ज़बीहों का खून उसी मज़बे पर छिड़का। और उसने पीतल का वो मज़बा जो खुदावंद के आगे था हैकल के सामने से, यानी अपने मज़बे और खुदावंद की हैकल के बीच में से उठवा कर उसे अपने मज़बे के शिमाल की तरफ रखवा दिया। और आखिर बादशाह ने ऊरिया काहिन को हुक्म किया कि बड़े मज़बे पर सुबह की सोख्तनी कुर्बानी और शाम की नज़र की कुर्बानी और बादशाह की सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नज़र की कुर्बानी और ममलिकत के सब लोगों की सोख्तनी कुर्बानी और उनकी नज़र की कुर्बानी और उनका तपावन चढ़ाया कर, और सोख्तनी कुर्बानी का सारा खून और ज़बीहे का सारा खून उस पर छिड़का कर, और पीतल का वो मज़बा मेरे सवाल करने के लिए रहेगा। सो जो कुछ आखिस बादशाह ने फरमाया ऊरिया काहिन ने वो सब किया। और आखिस बादशाह ने कुर्सियों के किनारों को काट डाला और उनके ऊपर के हौज को उनसे जुदा कर दिया, और उस बड़े हौज को पीतल के बैलों पर से जो उसके नीचे थे उतार कर पत्थरों के फर्श पर रख दिया। और उसने उस रास्ते को जिस पर छत थी और जिसे उन्होंने सब्बत के दिन के लिए हैकल के अंदर बनाया था, और बादशाह के दरामद के रास्ते को जो बाहर था शाहे असूर के सबब से खुदावंद के घर में शामिल कर दिया। और आखिस के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और आखिस अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा हिजकिया उसकी जगह बादशाह हुआ। 70वां बाब। इसराइल का बादशाह हुसिया। और शाही यहूदा आखिस के 12वें बरस से एला का बेटा होसिया इसराइल पर सामरिया में सल्तनत करने लगा, और उसने 9 बरस सल्तनत की, और उसने खुदावंद की नजर में बदी की, तो भी इसराइल के उन बादशाहों के मानिंद नहीं जो उससे पहले हुए। और शाह असूर सलमनसर ने इस पर चढ़ाई की, और होसिया उसका खादिम हो गया और उसके लिए हदिया लाया, और शाह असूर ने होसिया की साजिश मालूम कर ली, क्योंकि उसने शाह मिस्र सू के पास एलची भेजी और शाह असूर को हदिया न दिया जैसा वो साल ब साल देता था। सो शाह असूर ने उसे बंद कर दिया और कैद खाने में उसके बेड़ियां डाल दी। सकूते सामरिया। और शाह असूर ने सारी ममलिकत पर चढ़ाई की और सामरिया को जाकर 3 बरस उसे घेरे रहा, और हुसिया के 9वें बरस शाह असूर ने सामरिया को ले लिया और इसराइल को असीर करके असूर में ले गया, और उनको खलाह में और जोजान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहरों में बसाया। और ये इसलिए हुआ कि बनी इसराइल ने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ, जिसने उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर शाह मिस्र फिराउन के हाथ से रिहाई दी थी, गुनाह किया और गैर माबूदों का खौफ माना, और उन कौमों के आइन पर जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से खारिज किया, और इसराइल के बादशाहों के आइन पर जो उन्होंने खुद बनाए थे चलते रहे। और बनी इसराइल ने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ छुप कर वो काम किए जो भले ना थे, और उन्होंने अपने सब शहरों में निगहबानों के बुरज से फसीलदार शहर तक अपने लिए ऊंचे मकाम बनाए, और हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे उन्होंने अपने लिए सतूनों और यसीरतों को नसब किया। और वहीं उन सब ऊंचे मकामों पर उन कौमों की मानिंद जिनको खुदावंद ने उनके सामने से दफा किया बखूर जलाया, और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए शरारतें की और बुतों की परस्तिश की, जिसके बारे में खुदावंद ने उनसे कहा था कि तुम
ये काम न करना, तो भी खुदावंद सब नबियों और गैब बीनों की मार्फत इसराइल और यहूदा को आगाह करता रहा कि तुम अपनी बुरी राहों से बाज आओ और उस सारी शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया और जिसे मैंने अपने बंदों नबियों की मार्फत तुम्हारे पास भेजा है मेरे अहकाम व आइन को मानो। बावजूद इसके उन्होंने ना सुना बल्कि अपने बाप दादा की तरह जो खुदावंद अपने खुदा पर ईमान नहीं लाए थे गर्दन कशी की और उसके आइन को और उसके अहद को जो उसने उनके बाप दादा से बांधा था और उसकी शहादतों को जो उसने उनको दी थी रद्द किया और बातिल बातों के पैराव होकर निकम्मे हो गए और अपने आसपास की कौमों की तकलीद की जिनके बारे में खुदावंद ने उनको ताकीद की थी कि वो उनके से काम न करें और उन्होंने खुदावंद अपने खुदा के सब अहकाम तर्क करके अपने लिए ढाली हुई मूरतें यानी दो बछड़े बना लिए और यसीरत तैयार की और आसमानी फौज की परस्तिश की और बाल को पूजा और उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को आग में चलवाया और फालगिरी और जादूगरी से काम लिया और अपने को बेच डाला ताकि खुदावंद की नजर में बदी करके उसे गुस्सा दिलाएं। इसलिए खुदावंद इसराइल से बहुत नाराज हुआ और अपनी नजर से उनको दूर कर दिया। सो यहूदा के कबीले के सिवा और कोई ना छूटा और यहूदा ने भी खुदावंद अपने खुदा के अहकाम न माने बल्कि उन आइन पर चले जिनको इसराइल ने बनाया था। तब खुदावंद ने इसराइल की सारी नस्ल को रद्द किया और उनको दुख दिया और उनको लुटेरों के हाथ में करके आखिरकार उनको अपनी नजर से दूर कर दिया क्योंकि उसने इसराइल को दाऊद के घराने से जुदा किया और उन्होंने नबात के बेटे यूरबाम को बादशाह बनाया और यूरबाम ने इसराइल को खुदावन की पैरवी से दूर हंकाया और उनसे बड़ा गुनाह कराया और बनी इसराइल उन सब गुनाहों की जो यूरबाम ने किए तकलीद करते रहे, वो उनसे बाज ना आए यहां तक कि खुदावन ने इसराइल को अपनी नजर से दूर कर दिया जैसा उसने अपने सब बंदों की मार्फत जो नबी थे फरमाया था। सो इसराइल अपने मुल्क से असूर को पहुंचाया गया जहां वो आज तक है। असूरियों की इसराइल में आबादकारी। और शाह असूर ने बाबल और कोता और अव्वा और हमाद और सिफरवाइम के लोगों को लाकर बनी इसराइल की जगह सामरिया के शहरों में बसाया। सो वो सामरिया के मालिक हुए और उसके शहरों में बस गए और अपने बस जाने के शुरू में उन्होंने खुदावंद का खौफ ना माना, इसलिए खुदावंद ने उनके दरमियान शेरों को भेजा जिन्होंने उनमें से बांस को मार डाला। बस उन्होंने शाहे असूर से ये कहा कि जिन कौमों को तूने ले जाकर सामरिया के शहरों में बसाया है वो उस मुल्क के खुदा के तरीके से वाकिफ नहीं है, चुनाचे उसने उनमें शेर भेज दिए हैं और देख वो उनको फाड़ते हैं, इसलिए कि वो उस मुल्क के खुदा के तरीके से वाकिफ नहीं है। तब असूर के बादशाह ने ये हुक्म दिया कि जिन काहिनों को तुम वहां से ले आए हो उनमें से एक को वहां ले जाओ, और वो जाकर वहीं रहे और ये काहिन उनको उस मुल्क के खुदा का तरीका सिखाए। सो उन काहिनों में से जिनको वो सामरिया से ले गए थे एक काहिन आकर बैतेल में रहने लगा और उनको सिखाया कि उनको खुदावंद का खौफ क्यों कर मानना चाहिए। तिस पर भी हर कौम ने अपने देवता बनाए और उनको सामरियों के बनाए हुए ऊंचे मकामों के मंदिरों में रखा। हर कौम ने अपने शहर में जहां उसकी सुकूनत थी ऐसा ही किया। सो बाबलियों ने सुकात बनात को और कूतियों ने नीरगुल को और हमातियों ने असीमा को और अवियों ने निबहाज और तरताक को बनाया और सिफरियों ने अपने बेटों को
अदर मलिक और अन मलिक के लिए जो सिफरवाइम के देवता थे आग में जलाया। यूं वो खुदावंद से भी डरते थे और अपने लिए ऊंचे मकामों के काहिन भी अपने ही में से बना लिए, जो ऊंचे मकामों के मंदिरों में उनके लिए कुर्बानी गुजरानते थे। सो वो खुदावंद से भी डरते थे और अपनी कौमों के दस्तूर के मुताबिक जिनमें से वो निकाल लिए गए थे अपने अपने देवता की परस्तिश भी करते थे। आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते हैं। वो खुदावंद से डरते नहीं और ना तो अपने आयन और कवानीन पर और ना उस शरा और फरमान पर चलते हैं जिसका हुक्म खुदावंद ने याकूब की नस्ल को दिया था, जिसका नाम उसने इसराइल रखा था। उन्हीं से खुदावंद ने अहद बांधकर उनको ये ताकीद की थी कि तुम गैर माबूदों से ना डरना और ना उनको सजदा करना, ना पूजना और ना उनके लिए कुर्बानी करना, बल्कि खुदावंद जो बड़ी कुव्वत और बुलंद बाजू से तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तुम उसी से डरना और उसी को सिजदा करना और उसी के लिए कुर्बानी गुजरानना। और जो जो आइन और रस्म और जो शरीयत और हुक्म उसने तुम्हारे लिए कलम बंद किए, उनको सदा मानने के लिए एहतियात रखना और तुम गैर माबूदों से ना डरना और उस अहद को जो मैंने तुमसे किया है तुम भूल ना जाना और ना तुम गैर माबूदों का खौफ मानना, बल्कि तुम खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और वो तुमको तुम्हारे सब दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन उन्होंने ना माना बल्कि अपने पहले दस्तूर के मुताबिक करते रहे। सो ये कौमें खुदावंद से भी डरती रहीं और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूजती रहीं। इसी तरह उनकी औलाद और उनकी औलाद की नस्ल भी जैसा उनके बाप दादा करते थे वैसा वो भी आज के दिन तक करती हैं। 18वां बाब। यहूदा का बादशाह हिजकिया। और शाहे इसराइल होसिया बिन एला के तीसरे साल ऐसा हुआ कि शाहे यहूदा आखिज का बेटा हिजकिया सल्तनत करने लगा, और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी, और जो जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला था। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकना चूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुष्तान रखा, और वो खुदावंद इसराइल के खुदा पर तवक्कुल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानिंद एक ना हुआ और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। और खुदावंद उसके साथ रहा और जहां कहीं वो गया कामयाब हुआ, और वो शाह असूर से मुनहरिफ हो गया और उसकी इताअत ना की। उसने फिलिस्तियों को गजा और उसकी सरहदों तक निगहबानों के बुरिद से फसीलदार शहर तक मारा। और हिजकिया बादशाह के चौथे बरस, जो शाह इसराइल होसिया बिन एला का सातवां बरस था, ऐसा हुआ कि शाह असूर सलमनसर ने सामरिया पर चढ़ाई की और उसका मुहासरा किया, और 3 साल के आखिर में उन्होंने उसको ले लिया, यानी हिजकिया के छठे साल जो शाह इसराइल होसिया का नवां बरस था, सामरिया ले लिया गया, और शाह असूर इसराइल को असीर करके असूर को ले गया और उनको खला में और जोजान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहरों में रखा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानी बल्कि उसके अहद को, यानी उन सब बातों को जिनका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने दिया था, अदूल किया और ना उनको सुना ना उन पर अमल किया। असूरी यरूशलेम को धमकाते हैं।
और हिस्किया बादशाह के 14वें बरस शाहे असूर सनहीरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाहे यहूदा हिस्किया ने शाहे असूर को लकीस में कहला भेजा कि मुझसे खता हुई, मेरे पास से लौट जा, जो कुछ तू मेरे सर करे मैं उसे उठाऊंगा। सो शाहे असूर ने 300 किंतार चांदी और 30 किंतार सोना शाहे यहूदा हिस्किया के जिम्मे लगाया, और हिस्किया ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी। उस वक्त हिस्किया ने खुदावंद की हैकल के दरवाजों का और उन सतूनों पर का सोना जिनको शाहे यहूदा हिस्किया ने खुद मंडवाया था उतरवाकर शाहे असूर को दे दिया। फिर भी शाहे असूर ने तरतान और रब सारस और रब शाकी को लकीस से बड़े लश्कर के साथ हिस्किया बादशाह के पास यरूशलेम को भेजा। सो वो चले और यरूशलेम को आए, और जब वहां पहुंचे तो जाकर ऊपर के तालाब की नाली के पास जो धोबियों के मैदान के रास्ते पर है खड़े हो गए। और जब उन्होंने बादशाह को पुकारा तो अलयाकीम बिन खलीकिया जो घर का दीवान था और शबना मुंशी और आसिफ मुहर्रर का बेटा युआख उनके पास निकलकर आए, और रबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिस्किया से कहो कि मुल्क मौजम शाहे असूर यूं फरमाता है, तू क्या एतमाद किए बैठा है, तू कहता तो है पर ये फकत बातें ही बातें हैं कि जंग की मसलहत भी है और हौसला भी, आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है, देख तुझे इस मसले हुए सरकंडे के आसा यानी मिस्र पर भरोसा है, उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाहे मिस्र फिराउन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है, और अगर तुम मुझसे कहो कि हमारा तवक्कुल खुदावंत हमारे खुदा पर है तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मकामों और मजहबों को हिस्किया ने ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम यरूशलेम में इस मजहबे के आगे सिजदा किया करो, इसलिए अब जरा मेरे आका शाहे असूर के साथ शर्त बांध और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा बशर्ते कि तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके, भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कम तरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है और रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है, और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मकाम को गारत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है, खुदावंद ही ने मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब अलयाकीम बिन खिलकिया और शबना और युआख ने रबशाकी से अर्ज की कि अपने खादिमों से अरामी जबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं और उन लोगों के सुनते हुए जो दीवार पर हैं यहूदियों की जुबान में बातें न कर। लेकिन रबशाकी ने उनसे कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है, क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही नजासत खाने और अपना ही करूरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जबान में बुलंद आवाज से ये कहने लगा कि मुल्क मौजम शाहे असूर का कलाम सुनो, बादशाह यूं फरमाता है कि हिस्किया तुमको फरेब न दे, क्योंकि वो तुमको उसके हाथ से छुड़ा न सकेगा और ना हिस्किया ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाहे असूर के हवाले न होगा। हिस्किया की न सुनो, क्योंकि शाहे असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकलकर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपनी इंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौस का पानी पीता रहे,
جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی طرح غلے اور مے کا ملک، روٹی اور تاکستانوں کا ملک، زیتونی تیل اور شہد کا ملک ہے، تاکہ تم جیتے رہو اور مر نہ جاؤ۔ سو ہزکیا کی نہ سننا جب وہ تم کو یہ ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ اور سفروائیم اور ہینا اور ایوا کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ اور ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو یہوہ یروشلیم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا؟ پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ تب الیاکیم بن خلیقیا جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی، اور یواخ بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے ہزکیا کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائی۔ 19واں باب، بادشاہ یسایا سے مشورہ لیتا ہے۔ جب ہزکیا بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑھا کر آموس کے بیٹے یسایا نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس سے کہا، ہزکیا یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہیں ان پر وہ ملامت کرے گا۔ پس تو اس بکیے کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ پس ہزکیا بادشاہ کے ملازم یسایا کے پاس آئے۔ یسایا نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہیں جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے نہ ڈر۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ اسوریوں کا دوسرا دھمکی آمیز پیغام۔ سو ربشاکی لوٹ گیا اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے۔ اور جب اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے، تو اس نے پھر ہزکیا کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہا کہ شاہ یہودا ہزکیا سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلیم شاہ اسور کے قبضے میں نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے، سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو، یعنی جوزان اور ہاران اور رسف اور بنی عدن جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حمات کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر سفروائیم اور ہینا اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ ہزکیا نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور ہزکیا نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا۔ اور ہزکیا نے خداوند کے حضور یوں دعا کی، اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنہیرب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے سن لے، اے خداوند
असूर के बादशाहों ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा न थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी यानी लकड़ी और पत्थर थे, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान ले कि तू ही अकेला खुदावंद खुदा है। यसाया का पैगाम बादशाह के नाम। तब यसाया बिन आमूस ने हिजकिया को कहला भेजा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाह असूर सनहीरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी सुन ली, इसलिए खुदावंद ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कंवारी दुख्तरे सय्यून ने तुझको हकीर जाना और तेरा मजका उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। तूने किसकी तौहीन और तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाई? इसराइल के कद्दूस के खिलाफ तूने अपने कासिदों के जरिए से खुदावंद की तौहीन की और कहा कि मैं बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ आया हूं, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा, और मैं उसके दूर से दूर मकाम में जहां उसकी जरखेज जमीन का जंगल है घुसा चला जाऊंगा। मैंने जगह जगह का पानी खोद खोद कर पिया है, और मैं अपने पांव के तलवे से मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई और मैंने इसे कदीम अय्याम में ठहरा दिया था? अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बरपा हो। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमजोर हुए और वो घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और हरी पौध और छतों पर की घास और उस अनाज की मानिंद हो गए जो बढ़ने से पेशतर सूख जाए। लेकिन मैं तेरी नशिस्त और आमदोरफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूं। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नकील तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीजें जो आज खुद उगती हैं और दूसरे साल वो चीजें जो उनसे पैदा हों खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकिस्तान लगाकर उनका फल खाना, और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम से और वो जो बच रहे हैं कोहे सय्यून से निकलेंगे, खुदावंद की गयूरी ये कर दिखाएगी। सो खुदावंद शाह असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहां तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने और ना उसके मुकाबल दमदमा बांधने पाएगा, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदे दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा ताकि इसे बचा लूं। सो उसी रात को खुदावंद के फरिश्ते ने निकलकर असूर की लश्करगाह में 185,000 आदमी मार डाले, और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। तब शाह असूर सनहीरब वहां से चला गया और लौटकर नैनवा में रहने लगा। और जब वो अपने देवता निसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था तो अदर मलिक और शराजर ने उसे तलवार से कत्ल किया और अरारात की सरजमीन को भाग गए, और उसका बेटा असरहद्दून उसकी जगह बादशाह हुआ। 20वां बाब। हिजकिया बादशाह की बीमारी और सेहत याबी। उन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब
यसाया नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वो ही किया है। और हिस्किया जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि यसाया निकलकर शहर के बीच के हिस्से तक पहुंचा भी न था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिस्किया से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाहे असूर के हाथ से बचा लूंगा और मैं अपनी खातिर और अपने बंदे दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा। और यसाया ने कहा, इंजीरों की टिकिया लो। सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। और हिस्किया ने यसाया से पूछा, इसका क्या निशान होगा कि खुदावंद मुझे सेहत बख्शेगा और मैं तीसरे दिन खुदावंद के घर में जाऊंगा? यसाया ने जवाब दिया कि इस बात का कि खुदावंद ने जिस काम को कहा है उसे वो करेगा, खुदावंद की तरफ से तेरे लिए निशान ये होगा कि साया या 10 दर्जे आगे को जाए या 10 दर्जे पीछे को लौटे। और हिस्किया ने जवाब दिया, ये तो छोटी बात है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए, सो यूं नहीं बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को लौटे। तब यसाया नबी ने खुदावंद से दुआ की, सो उसने साये को आखिस की धूप घड़ी में 10 दर्जे यानी जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे को लौटा दिया। बाबल से कासदों की आमद। उस वक्त शाह बाबल बरूदक बलादान बिन बलादान ने हिस्किया के पास नामा और तहाइफ भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि हिस्किया बीमार हो गया था। सो हिस्किया ने उनकी बातें सुनी और उसने अपनी बेश बहा चीजों का सारा घर और चांदी और सोना और मसाले और बेश कीमत इतर और अपना सलाखाना और जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी ममलकत में ऐसी कोई चीज न थी जो हिस्किया ने उनको न दिखाई। तब यसाया नबी ने हिस्किया बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और ये तेरे पास कहां से आए? हिस्किया ने कहा, ये दूर मुल्क से यानी बाबल से आए हैं। फिर उसने पूछा, उन्होंने तेरे घर में क्या देखा? हिस्किया ने जवाब दिया, उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है देखा, मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। तब यसाया ने हिस्किया से कहा, खुदावंद का कलाम सुन ले, देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है बाबल को ले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, कुछ भी बाकी ना रहेगा। और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा ले जाएंगे, और वो शाहे बाबल के महल में खाजा सरा होंगे। हिस्किया ने यशाया से कहा, खुदावंद का कलाम जो तूने कहा है भला है, और उसने ये भी कहा भला ही होगा अगर मेरे अय्याम में अमन और अमान रहे। हिस्किया के दौरे हकूमत का खात्मा। और हिस्किया के बाकी काम और उसकी सारी कुवत, और क्योंकर उसने तालाब और नाली बनाकर शहर में पानी पहुंचाया, सो क्या वो शाहाने यहूदा की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और हिस्किया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसका बेटा मनस्सी उसकी जगह बादशाह हुआ। 21वां बाब। यहूदा का बादशाह मनस्सी। जब मनस्सी सल्तनत करने लगा
तो 12 बरस का था। उसने 55 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसकी मां का नाम हिफसीबा था। उसने उन कौमों के नफरती कामों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से दफा किया, खुदावंद की नजर में बदी की, क्योंकि उसने उन ऊंचे मकामों को जिनको उसके बाप हिजकिया ने ढाया था फिर बनाया और बाल के लिए मस्बे बनाए और यसीरत बनाई, जैसे शाह इसराइल अखियब ने किया था, और आसमान की सारी फौज को सिजदा करता और उनकी परस्तिश करता था। और उसने खुदावंद की हैकल में, जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि मैं यरूशलेम में अपना नाम रखूंगा, मस्बे बनाए। और उसने आसमान की सारी फौज के लिए खुदावंद की हैकल के दोनों सहनों में मस्बे बनाए। और उसने अपने बेटे को आग में चलाया और वो शगुन निकालता और अफसूंगरी करता और जिन्नात के यारों और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। उसने खुदावंद के आगे उसको गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी शरारत की। और उसने यसीरत की खोदी हुई मूरत को, जिसे उसने बनाया था, उस घर में नसब किया जिसकी बाबत खुदावंद ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि इसी घर में और यरूशलेम में, जिसे मैंने बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम अब तक रखूंगा। और मैं ऐसा न करूंगा कि बनी इसराइल के पांव उस मुल्क से बाहर आवारा फिरें जिसे मैंने उनके बाप दादा को दिया, बशर्ते कि वो उन सब अहकाम के मुताबिक और उस शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मेरे बंदे मूसा ने उनको दिया, अमल करने की एहतियात रखें। पर उन्होंने ना माना और मनस्सी ने उनको बहकाया कि वो उन कौमों की निस्बत जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से नाबूद किया, ज्यादा बदी करें। सो खुदावंद ने अपने बंदों नबियों की मार्फत फरमाया, चूंकि शाह यहूदा मनस्सी ने नफरती काम किए और अमूरियों की निस्बत जो उससे पेशतर हुए ज्यादा बदी की और यहूदा से भी अपने बुतों के जरिए से गुनाह कराया, इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी बला लाने को हूं कि जो कोई उसका हाल सुने उसके कान झन्ना उठेंगे। और मैं यरूशलेम पर सामरिया की रस्सी और अखियब के घराने का साहूल डालूंगा। और मैं यरूशलेम को ऐसा पहुंचूंगा जैसे आदमी थाली को पहुंचता है और उसे पहुंचकर उल्टी रख देता है। और मैं अपनी मीरास के बाकी लोगों को तर्क करके उनको उनके दुश्मनों के हवाले करूंगा और वो अपने सब दुश्मनों के लिए शिकार और लूट ठहरेंगे, क्योंकि जब से उनके बाप दादा मिस्र से निकले उस दिन से आज तक वो मेरे आगे बदी करते और मुझे गुस्सा दिलाते रहे। इलावा इसके मनस्सी ने उस गुनाह के सिवा कि उसने यहूदा को गुमराह करके खुदावंद की नजर में बदी कराई, बेगुनाहों का खून भी इस कदर किया कि यरूशलेम इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। और मनस्सी के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया और वो गुनाह जो उससे सरजद हुआ, सो क्या वो बनी यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और मनस्सी अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने घर के बाग में जो उज्जा का बाग है दफन हुआ, और उसका बेटा अमून उसकी जगह बादशाह हुआ। यहूदा का बादशाह अमून। और अमून जब सल्तनत करने लगा तो 22 बरस का था। उसने यरूशलेम में 2 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम मुस्लिमत था, जो हरूस युतबही की बेटी थी, और उसने खुदावंद की नजर में बदी की जैसे उसके बाप मनस्सी ने की थी। और वो अपने बाप की सब राहों पर चला और उन बुतों की परस्तिश की जिनकी परस्तिश उसके बाप ने की थी, और उनको सिजदा किया। और उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया और खुदावंद की राह पर न चला। और अमून के खादिमों ने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह को उसी के कसर में जान से मार दिया। लेकिन उस मुल्क के लोगों ने उन सब को जिन्होंने अमून बादशाह के खिलाफ साजिश की थी कत्ल किया, और मुल्क के लोगों ने
उसके बेटे यूसिया को उसकी जगह बादशाह बनाया। और अमून के बाकी काम जो उसने किए, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और वो अपने गोर में उज्जा के बाग में दफन हुआ, और उसका बेटा यूसिया उसकी जगह बादशाह हुआ। 22वां बाब, यहूदा का बादशाह यूसिया। जब यूसिया सल्तनत करने लगा तो 8 बरस का था। उसने 31 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम जदीदा था, जो बुस्कती अदाया की बेटी थी। उसने वो काम किया जो खुदावंद की निगाह में ठीक था, और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला, और दहने या बाएं हाथ को मुतलिक न मुड़ा। तौरात की किताब का मिलना। और यूसिया बादशाह के 18वें बरस ऐसा हुआ कि बादशाह ने साफिन बिन असलिया बिन मुसल्लाम मुंशी को खुदावंद के घर को भेजा और कहा कि तू खिलकिया सरदार काहिन के पास जा, ताकि वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई जाती है और जिसे दरबानों ने लोगों से लेकर जमा किया है, गिने, और वो उसे उन कारगुजारों को सौंप दे जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं, और ये लोग उसे उन कारीगरों को दें जो खुदावंद के घर में काम करते हैं, ताकि हैकल की दराड़ों की मरम्मत हो, यानी बढ़ईयों और राजों और मीमारों को दें, और हैकल की मरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थरों के खरीदने पर खर्च करें। लेकिन उनसे उस नकदी का जो उनके हाथ में दी जाती थी कोई हिसाब नहीं लिया जाता था, इसलिए कि वो अमानतदारी से काम करते थे। और सरदार काहिन खिलकिया ने साफन मुंशी से कहा कि मुझे खुदावंद के घर में तोरैत की किताब मिली है, और खिलकिया ने वो किताब साफन को दी और उसने उसको पढ़ा। और साफन मुंशी बादशाह के पास आया और बादशाह को खबर दी कि तेरे खादिमों ने वो नकदी जो हैकल में मिली लेकर उन कारगुजारों के हाथ में सुपुर्द की जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं। और साफन मुंशी ने बादशाह को ये भी बताया कि खिलकिया काहिन ने एक किताब मेरे हवाले की है, और साफन ने उसे बादशाह के हजूर पढ़ा। जब बादशाह ने तोरैत की किताब की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े, और बादशाह ने खिलकिया काहिन और साफन के बेटे अखीकाम और मिकाया के बेटे अकबूर और साफिन मुंशी और असाया को, जो बादशाह का मुलाजिम था, ये हुक्म दिया कि ये किताब जो मिली है इसकी बातों के बारे में तुम जाकर मेरी और सब लोगों और सारे यहूदा की तरफ से खुदावंद से दरियाफ्त करो, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गजब हम पर इसी सबब से भड़का है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को न सुना कि जो कुछ उसमें हमारे बारे में लिखा है उसके मुताबिक अमल करते। तब खिलकिया काहिन और अखीकाम और अकबूर और साफिन और असाया खुल्दा नबिया के पास गए, जो तोशाखाना के दरोगा सलूम बिन तकीवा बिन खरखस की बीवी थी। ये यरूशलेम में मिशना नामी मोहल्ले में रहती थी। सो उन्होंने उससे गुफ्तगू की। उसने उनसे कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम उस शख्स से जिसने तुमको मेरे पास भेजा है कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इस किताब की उन सब बातों के मुताबिक जिनको शाहे यहूदा ने पढ़ा है इस मकाम पर और इसके सब बाशिंदों पर बला नाजिल करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाया, ताकि अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाएं। सो मेरा कहर इस मकाम पर भड़केगा और ठंडा न होगा। लेकिन शाहे यहूदा से जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है यूं कहना कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि जो बातें तूने सुनी है उनके बारे में ये है कि चूंकि तेरा दिल नर्म है और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मकाम और इसके बाशिंदों के हक में कही कि वो तबाह हो जाएंगे
और लानती भी ठहरेंगे तो तूने खुदावंद के आगे आजजी की और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया, सो मैंने भी तेरी सुन ली, खुदावंद फरमाता है। इसलिए देख, मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिला दूंगा और तू अपनी गोर में सलामती से उतार दिया जाएगा और उन सब आफतों को जो मैं इस मकाम पर नाजिल करूंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। सो वो ये खबर बादशाह के पास लाए। 23वां बाब, यूसिया बुतपरस्ती बंद कराता है। और बादशाह ने लोग भेजे और उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को उसके पास जमा किया। और बादशाह खुदावंद के घर को गया और उसके साथ यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब बाशिंदे और काहिन और नबी और सब छोटे बड़े आदमी थे। और उसने जो अहद की किताब खुदावंद के घर में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़ सुनाई। और बादशाह सतून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदावंद की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आइन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानने और इस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी हैं अमल करने के लिए खुदावंद के हजूर अहद बांधा और सब लोग उस अहद पर कायम हुए। फिर बादशाह ने सरदार काहिन खिलकिया को और उन काहिनों को जो दूसरे दर्जे के थे और दरबानों को हुक्म किया कि उन सब बर्तनों को जो बाल और यसीरत और आसमान की सारी फौज के लिए बनाए गए थे खुदावंद की हैकल से बाहर निकालें। और उसने यरूशलेम के बाहर किद्रून के खेतों में उनको जला दिया और उनकी राख बैतेल पहुंचाई। और उसने उन बुतपरस्त काहिनों को जिनको शाहाने यहूदा ने यहूदा के शहरों के ऊंचे मकामों और यरूशलेम के आसपास के मकामों में बखूर जलाने को मुकरर किया था और उनको भी जो बाल और सूरज और चांद और सैयारों और आसमान के सारे लश्कर के लिए बखूर जलाते थे मौकूफ किया। और वो यसीरत को खुदावंद के घर से यरूशलेम के बाहर किद्रून के नाले पर ले गया और उसे किद्रून के नाले पर जला दिया और उसे कूट कूट कर खाक बना दिया और उसको आम लोगों की कब्रों पर फेंक दिया। और उसने लूतियों के मकानों को जो खुदावंद के घर में थे जिनमें औरतें यसीरत के लिए पर्दे बुना करती थीं ढा दिया। और उसने यहूदा के शहरों से सब काहिनों को लाकर जिबा से बीर सभा तक उन सब ऊंचे मकामों में जहां काहिनों ने बखूर जलाया था नजासत डलवाई। और उसने फाटकों के उन ऊंचे मकामों को जो शहर के नाजिम यशु के फाटक के मदखल यानी शहर के फाटक के बाएं हाथ को थे गिरा दिया। तो भी ऊंचे मकामों के काहिन यरूशलेम में खुदावंद के मजबे के पास ना आए, लेकिन वो अपने भाइयों के साथ बेखमीरी रोटी खा लेते थे। और उसने तूफक में जो बनी हनूम की वादी में है नजासत फिंकवाई ताकि कोई शख्स मोलक के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना चलवा सके। और उसने उन घोड़ों को दूर कर दिया जिनको यहूदा के बादशाहों ने सूरज के लिए मखसूस करके खुदावंद के घर के आस्ताने पर नातन मलक ख्वाजा सरा की कोठड़ी के बराबर रखा था जो हैकल की हद के अंदर थी। और सूरज के रथों को आग से जला दिया। और उन मजबों को जो आखज के बालाखाने की छत पर थे जिनको शाहाने यहूदा ने बनाया था और उन मजबों को जिनको मनस्सी ने खुदावंद के घर के दोनों सहनों में बनाया था बादशाह ने ढा दिया। और वहां से उनको चूर चूर करके उनकी खाक को किद्रून के नाले में फेंकवा दिया। और बादशाह ने उन ऊंचे मकामों पर नजासत डलवाई जो यरूशलेम के मुकाबल कोहे आलाइश के दाहिनी तरफ थे जिनको इसराइल के बादशाह सुलेमान ने सैदानियों की नफरती अस्तारात और मुआबियों के नफरती कमूस और बनी अमून के नफरती मिलकूम के लिए बनाया था। और उसने सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और यसीरतों को काट डाला और उनकी जगह में मुर्दों की हड्डियां भर दी। फिर बैतेल का वो मजबा और वो ऊंचा मकाम जिसे नबात के बेटे यूरबाम ने बनाया था जिसने इसराइल से गुनाह कराया
سو اس مذبح اور اونچے مقام دونوں کو اس نے ڈھا دیا اور اونچے مقام کو جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک کر دیا اور یسیرت کو جلا دیا. اور جب یوسیا مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھیں. سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو اس مذبح پر جلا کر اسے ناپاک کیا. یہ خداوند کے سخن کے مطابق ہوا جسے اس مرد خدا نے جس نے ان باتوں کی خبر دی تھی سنایا تھا. پھر اس نے پوچھا یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں. شہر کے لوگوں نے اسے بتایا یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودا سے آ کر ان کاموں کی جو تو نے بیتیل کے مذبح سے کیے خبر دی. تب اس نے کہا اسے رہنے دو, کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے. سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریا سے آیا تھا رہنے دی. اور یوسیا نے ان اونچے مقاموں کے سب گھروں کو بھی جو سامریا کے شہروں میں تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہوں نے خداوند کو غصہ دلانے کو بنایا تھا ڈھایا, اور جیسا اس نے بیتیل میں کیا تھا ویسا ہی ان سے بھی کیا. اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کاہنوں کو جو وہاں تھے ان مذبحوں پر قتل کیا اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں. پھر وہ یروشلیم کو لوٹ آیا. یوسیا عید فصح مناتا ہے. اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فصح مناؤ جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے. اور یقیناً قاضیوں کے زمانے سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فصح کبھی نہیں ہوئی تھی. یوسیا بادشاہ کے 18ویں برس یہ فصح یروشلیم میں خداوند کے لیے منائی گئی. یوسیا کی دوسری اصلاحات. ماں سوا اس کے یوسیا نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلیم میں نظر آئیں دور کر دیا تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھیں جو خلقیہ کاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی. اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو, اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا. باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا, خداوند اپنے سخت و شدید قہر سے جس سے اس کا غضب یہودا پر بھڑکا تھا باز نہ آیا. اور خداوند نے فرمایا کہ میں یہودا کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کروں گا جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا, اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلیم کو اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا رد کر دوں گا. یوسیا کے دور حکومت کا اختتام. اور یوسیا کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اسی کے ایام میں شاہ مصر فرعون نکو شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا اور یوسیا بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا سو اس نے اسے دیکھتے ہی مجدو میں قتل کر دیا, اور اس کے ملازم اس کو ایک رتھ میں مجدو سے مرا ہوا لے گئے اور اسے یروشلیم میں لا کر اسی کی قبر میں دفن کیا. اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیا کے بیٹے یہو آخذ کو لے کر اسے مسا کیا اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا. یہودا کا بادشاہ آخذ. اور یہو آخذ جب سلطنت کرنے لگا تو 23 برس کا تھا. اس نے یروشلیم میں 3 مہینے سلطنت کی. اس کی ماں کا نام حموتل تھا جو لبناہی یرمیا کی بیٹی تھی, اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی. سو فرعون نکوہ نے اسے ربلا میں جو ملک حمات میں ہے قید کر دیا تاکہ وہ یروشلیم میں سلطنت نہ کرنے پائے.
اور اس ملک پر 100 کنتار چاندی اور 1 کنتار سونا خراج مقرر کیا، اور فرعون نکوہ نے یوسیا کے بیٹے الیاکیم کو اس کے باپ یوسیا کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر یہویاکیم رکھا، لیکن یہوآخذ کو لے گیا سو وہ مصر میں آ کر وہاں مر گیا۔ یہودا کا بادشاہ یہویاکیم۔ اور یہویاکیم نے وہ چاندی اور سونا فرعون کو پہنچایا، پر اس نقدی کو فرعون کے حکم کے مطابق دینے کے لیے اس نے مملکت پر خراج مقرر کیا، یعنی اس نے اس ملک کے لوگوں سے ہر شخص کے لگان کے مطابق چاندی اور سونا لیا تاکہ فرعون نکو کو دے۔ یہویاکیم جب سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے یروشلیم میں 11 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبودا تھا، جو روما کے فدایا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ 24 باب۔ اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکدنصر نے چڑھائی کی، اور یہویاکیم 3 برس تک اس کا خادم رہا۔ تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا، اور خداوند نے کستیوں کے دل اور آرام کے دل اور مواب کے دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے، اور یہودا پر بھی بھیجے، تاکہ اسے جیسا خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا ہلاک کر دے۔ یقیناً خداوند ہی کے حکم سے یہودا پر یہ سب کچھ ہوا، تاکہ منسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کرے، اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منسی نے بہایا، کیونکہ اس نے یروشلیم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا، اور خداوند نے معاف کرنا نہ چاہا۔ اور یہویاکیم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہویاکیم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا یہویاکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا، کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فرات تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا۔ یہودا کا بادشاہ یہویاکین۔ اور یہویاکین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا، اور یروشلیم میں اس نے 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام نہوشتا تھا، جو یروشلیمی الناتن کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ اس وقت شاہ بابل نبوکدنصر کے خادموں نے یروشلیم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اور شاہ بابل نبوکدنصر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا۔ تب شاہ یہودا یہویاکین اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور عہدے داروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا، اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا، اور وہ خداوند کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا، اور سونے کے سب برتنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلیمان نے خداوند کی ہیکل میں بنایا تھا اس نے کاٹ کر خداوند کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ سارے یروشلیم کو اور سب سرداروں اور سب سورماؤں کو جو 10,000 آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا۔ سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا، اور یہویاکین کو وہ بابل لے گیا، اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے عہدے داروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یروشلیم سے بابل کو لے گیا، اور سب طاقتور آدمیوں کو جو 7,000 تھے، اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو 1,000 تھے، اور سب کے سب مضبوط اور جنگ کے لائق تھے، شاہ بابل اسیر کر کے بابل میں لے آیا۔ اور شاہ بابل نے
उसके बाप के भाई मतनिया को उसकी जगह बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर सिदकिया रखा। यहूदा का बादशाह सिदकिया। जब सिदकिया सल्तनत करने लगा तो 21 बरस का था और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम हमूतल था, जो लिबनाही यर्मिया की बेटी थी, और जो जो यहूयकीम ने किया था उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नजर में बड़ी की, क्योंकि खुदावंद के गजब के सबब से यरूशलेम और यहूदा की ये नौबत आई कि आखिर उसने उनको अपने हजूर से दूर ही कर दिया और सिदकिया शाह बाबल से मुनहरिफ हो गया। 25वां बाब, सकूते यरूशलेम। और उसकी सल्तनत के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबूकदनज़र ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमाजन हुआ, और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हिसार बनाए, और सिदकिया बादशाह की सल्तनत के 11वें बरस तक शहर का मुहासरा रहा, और 4थे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए खूरिश न रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया, और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। उस वक्त कस्दी शहर को घेरे हुए थे, और बादशाह ने बियाबान का रास्ता लिया, लेकिन कस्दियों की फौज ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरू के मैदान में जा लिया, और उसका सारा लश्कर उसके पास से परागंदा हो गया था। सो वो बादशाह को पकड़कर रिबला में शाह बाबल के पास ले गए, और उन्होंने उस पर फतवा दिया, और उन्होंने सिदकिया के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़िबह किया और सिदकिया की आंखें निकाल डाली, और उसे जंजीरों से जकड़कर बाबल को ले गए। हैकल की बर्बादी। और शाह बाबल नबूकदनज़र के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 7वें दिन शाह बाबल का एक खादिम नबूज़रदान, जो जलोदारों का सरदार था, यरूशलेम में आया, और उसने खुदावंद का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर, यानी हर एक बड़ा घर, आग से जला दिया, और कस्तियों के सारे लश्कर ने, जो जलोदारों के सरदार के हमरा था, यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया, और बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबल की पनाह ली थी, और अवाम में से जितने बाकी रह गए थे उन सब को नबूज़रदान जलोदारों का सरदार असीर करके ले गया, पर जलोदारों के सरदार ने मुल्क के कंगालों को रहने दिया ताकि खेती और ताकिस्तानों की बागबानी करें, और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावंद के घर में थे, और कुर्सियों को और पीतल के बड़े हौस को जो खुदावंद के घर में था, कस्दियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया, और उनका पीतल बाबल को ले गए, और तमाम डेगे और बेलचे और गुलगीर और चमचे और पीतल के तमाम बर्तन जो वहां काम आते थे ले गए, और अंगीठियां और कटोरे, गर्स जो कुछ सोने का था उसके सोने को, और जो कुछ चांदी का था उसकी चांदी को जलोदारों का सरदार ले गया। वो दोनों सतून और वो बड़ा हौस और वो कुर्सियां जिनको सुलेमान ने खुदावंद के घर के लिए बनाया था, इन सब चीजों के पीतल का वजन बेहिसाब था। एक सतून 18 हाथ ऊंचा था और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था, और वो ताज 3 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिर्दा गिर्द जालियां और अनार की कलियां सब पीतल की बनी हुई थी, और दूसरे सतून के लवाजिम भी जाली समेत इन्हीं की तरह थे। यहूदा के लोगों को बाबल ले जाया जाता है। और जलोदारों के सरदार ने सिराया सरदार काहिन को और काहिने सानी सफनिया को और तीनों दरबानों को पकड़ लिया, और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया,
جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے پانچ آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور لشکر کے بڑے محرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا، اور ملک کے لوگوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، ان کو جلوداروں کا سردار نبوذرادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلہ میں لے گیا، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقے کے ربلہ میں ان کو مارا اور قتل کیا، سو یہودا بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا، اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکدنضر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ یہودا کا حاکم جدلیہ۔ اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکدنضر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ جب جتھوں کے سب سرداروں اور ان کی سپاہ نے، یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یوحنان بن کریہا اور سرایا بن تنہومت نتوفاتی اور یزانیہ بن مقاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنایا ہے، تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفہ میں جدلیہ کے پاس آئے، اور جدلیہ نے ان سے اور ان کی سپاہ سے قسم کھا کر کہا، قصدیوں کے ملازموں سے مت ڈرو، ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی۔ مگر ساتویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیا بن الاسما، جو بادشاہ کی نسل سے تھا، اپنے ساتھ 10 مرد لے کر آیا اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور ان یہودیوں اور قصدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفہ میں تھے قتل کیا۔ تب سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے، کیونکہ وہ قصدیوں سے ڈرتے تھے۔ یہویاکین کی قید خانے سے رہائی۔ اور یہویاکین شاہ یہودا کی اسیری کے 37 برس کے 12 مہینے کے 27 دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویاکین شاہ یہودا کو قید خانے سے نکال کر سرفراز کیا، اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کیں، اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی، سو وہ اپنے قید خانے کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفے کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔